के अध्यक्ष मंजूर बैग ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंदौर नगर निगम की तानाशाही चरम पर पहुंच गई है। आम जनता के साथ मारपीट, गाली गलौज और बुरा सलूक करने के लिए कुख्यात हो चुके निगम कर्मियों ने आज सच और आम जनता के हक की आवाज उठाने वाले मीडिया संस्थानों को भी नहीं छोड़ा। मीडिया संस्थान में जिस प्रकार की बदले की कार्यवाही की गई है, सर्वधर्म संघ उसका कड़ा विरोध करता है। सर्वधर्म संघ कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट से मांग करता है कि ऐसी ऐसी घटना को अंजाम देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई की जानी चाहिए। आम जनता काफी भय से साए में जी रही है और निगम की गुंडागर्दी किसी दिन शहर की शांति और सहयोगी जनता में विद्रोह की भावना पनपा सकती है। जहाँ पर मंजूर बेग ने कहा कि शहर के सभी जनप्रतिनिधियों से भी मीडिया पर हुए हमले के विरुद्ध प्रदर्शन करने एवं उनके समर्थन में उतरने की मांग करते हैं। मैं बेला में इसकी घोर निंदा करता हूं। आज चौथा स्तंभ जो अखबार है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आज ये देश प्रदेश और आम जनता की बात रखता है। जो नगर निगम की लगातार पोल खोल रहा है, नगर निगम की तानाशाही, नगर निगम की गाली गलौज, नगर निगम द्वारा आम जनता के साथ दुर्व्यवहार की बातें जो छापते हैं चौथा स्तंभ भर में, और अखबार जो सत्य लिखता है, उस सत्य पर नगर निगम ने जो विरोध किया, उसके ऑफिस में घूम कर जो भी चौथा स्तंभ भर रहता है एक अखबार, और अखबार के ऑफिस में घुसकर कभी तोड़ फोड़ किए तो आम जनता के साथ कभी भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। आज जो इनका विरोध कर रहा है उस पर नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रही है। मैं इस संबंध में माननीय तुलसी सिलावट जी जो कि कैबिनेट मंत्री है, उनको भी अवगत कराऊंगा कि एक चौथा स्तंभ के कार्यालय में जाके जिस प्रकार के नगर निगम ने तोड़फोड़ की, जिस तरह के वहाँ दुर्व्यवहार किया, गालू गलौज किया, जो भी लोग, जो भी नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ मौजूद थे, उनकी गाड़ी के नंबर के आधार पर उन पर उचित कार्रवाई होना चाहिए और तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। और मैं जनप्रतिनिधियों से भी आह्वान करूँगा कि चौथा स्तंभ पर जो हमला हुआ है, इसका विरोध सभी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।